अशोक जी मुझे ये बताइए, मैंने तो हुकुमदेव नारायण जी के ऐसे ऐसे भाषण सुने और उनका एक भाषण तो यूट्यूब पे वायरल है जिसमें उन्होंने सोनिया जी के बारे में बात की, जिन्होंने गरीब के बारे में बात की, किसान के बारे में बात की और कई सारी ऐसी बात की जिसको सुनकर पूरा सदन लोटपोट हो जाया करता था। तो आपको भी भाषण की कला राजनीतिक विरासत में मिली है, आपके पिता से मिली है, बचपन से सुनते थे उनको? देखिए, मेरे पिताजी शुरू से समाजवादी आंदोलन में थे, कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे और जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय मेरे पिताजी बिहार विधानसभा के सदस्य थे और जब देश में 1974 में आपातकाल लगा तो सबसे पहले विधानसभा से इस्तीफा दिए, पहला विधायक थे और जेल भी गए। हम लोग छोटे छोटे थे उस समय और उस समय आप समझ सकते हैं कि घर में घुस के पुलिस पूरे घर को तलाशी लेना, ढूंढना और फिर अंत में वो गिरफ्तारी दी, वो जेल गए। तो उस समय वो लड़ते लड़ते इतने कांग्रेस के खिलाफ थे, जमीन से लड़ के आए, तो उनकी जो आवाज़ है कोई बनावटी आवाज़ नहीं है, इतने दिनों का उनका अनुभव है, संघर्ष है और एक हमेशा वो वंचित समाज की लड़ाई लड़ते रहे हैं, समांतवाद हो या कांग्रेस की जो नीतियां थी उसके खिलाफ वो लड़ते लड़ते इतनी दूरी तक पहुंचे। और सबको पता है, आप लोगों को पता है कि उनको लोकसभा में वर्ष 2014 के लिए श्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला है। इसका मतलब अपने बारे में आपके सामने अशोक जी बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। पिता के पुत्र होकर सांसद तो आप बन गए, लेकिन सांसद में अपने आप को आपको प्रूव भी करना पड़ेगा। जी, प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है कि भाषण, तो अपने बारे में हम क्या बता सकते हैं। जब आप लोग कभी मेरा भाषण सुनेंगे तो आप लोग पर हम छोड़ते हैं कि मेरा भाषण कैसा लगेगा, सो आप लोग तय कीजिएगा, हम नहीं बता सकते।